देखिए, मैं 26 साल से पॉलिटिक्स में हूं। 26 साल से मैं एक चीज कह रहा हूं कि हम दोस्ती सबसे करना चाहते हैं, लेकिन गुलामी किसी की नहीं करना चाहते। ये मैंने आज नहीं कहा, मेरे 26 साल से बयान पढ़ लें कि मैंने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान सबसे दोस्ती करना चाहते हैं। हम तो अगर कश्मीर का मसला हिंदुस्तान तैयार हो जाए हल करने के लिए, हाँ हम तो हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। मैंने कोशिश भी की शुरू में जब मैं इक्तदार में आया, लेकिन गुलामी किसी की नहीं हम करना चाहते। मैंने आपको मेरे बयानात पढ़ लें जब हमने अमेरिका की जंग में शामिल हुए, वॉर ऑन टेरर में, मेरे सारे आप बयानात पढ़ लें। मैं हर जगह कहता रहा कि यह हमारी जंग नहीं है, हम अपने लोगों को कुर्बान करें किसी और की जंग में। 20 साल मेरे बयान पढ़ लें, मैं एक ही चीज कहता रहा कि हमने अपने लोगों को इसलिए कुर्बान किया क्योंकि हम आजाद नहीं हैं, हमारी आजाद सोच नहीं है, हम गुलामी कर रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान के लोगों के मफादात की हिफाजत नहीं करती, वो किसी और के फॉरेन पॉलिसी के मफादात के लिए अपने लोगों को कुर्बान करती है। लेकिन मैं दुश्मनी तो कभी भी किसी से नहीं चाहता। कौन अकलमंद आदमी चाहता है कि लोगों से दुश्मनी हो? हम तो सबसे, हम चीन से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम रूस से अच्छे चाहते हैं, हम अमेरिका से चाहते हैं, हम सबसे चाहते हैं। गुलामी किसी की नहीं चाहते। ये कोई मेरा इंटरव्यू 26 साल में बता दे कि मैंने इसके अलावा कोई बात की। हैरत मुझे ये है कि यहां एक प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है और वो वहां से बैठ के फीड करता है सहाफियों को, जो उनके पॉकेट सहाफी है, यानी इनके इनके बगल बच्चे हैं, उनको बकायदा बताया जाता है। और वो जो भी मैं बाहर इंटरव्यू देता हूं उसमें से चीजें चुनते हैं, फिर उन चीजों को उठाते हैं और मतलब कुछ और निकाल देते हैं। ये भी आज नौबत आनी थी कि दो साहब उनको बयान देना पड़ा कि हमारे हमारे बयानों को गलत पेश किया जा रहा है, यानी मेरे इंटरव्यू को गलत पेश किया जा रहा है, उन्होंने कहा है। और वो गलत इसलिए कर रहे हैं कि यहां पूरा प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है, वो सारी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये साबित करें कि इमरान खान ने कुछ कहा था तो कुछ और हो गया। मैंने जो साइफर है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा हुआ है, पार्लियामेंट में रखा है, सदर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया है, कैबिनेट के अंदर रखा है। जो असद मजीद जो एम्बेसडर थे वॉशिंगटन में, जिसकी डोनाल्ड लू से बात हुई, उन्होंने शहबाज शरीफ के दौर में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के कहा साइफर का कि बिल्कुल वो जो मैं कह रहा था वो बातें, डोनाल्ड लू ने सही धमकियां दी उसको कि इमरान खान को हटाओ। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि उस दूसरी सिक्योरिटी काउंसिल जो बैठी थी शहबाज शरीफ के नीचे, उसने भी तायद की है कि हां इन्होंने गलत किया है, इन्होंने मुदाखलत किया है। तो इसमें इश्यू क्या रह गया? आगे बात अब जब कर रहे हैं कि हमने आगे चलना है, तो आगे तो हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। मैं तो हमेशा चाहता हूं, क्योंकि जितने हमारे दुनिया में अच्छे ताल्लुकात होंगे और दुश्मनियां कम होंगी, हम तजारत करेंगे और मुल्क में खुशहाली आएगी। तो मकसद तो ये है। तो ये मैं अभी नहीं, मैं 26 साल से यही बात कह रहा हूं। मुझे सिर्फ फिर से अफसोस है कि हमारी सहाफत उधर पहुंच गई है, यानी उस लेवल पे पहुंच गई है कि बाहर के सहाफियों को कहना पड़ा कि हमें गलत तरह पेश किया जा रहा है हमारा इंटरव्यू। और वो इंटरव्यू भी वैसे सुन लें अगर किसी को, तो आज बता दें कि 26 साल और अब में उसमें कोई फर्क है? उसमें कोई फर्क नहीं है। और आखिर में मैं आप सबको, अपनी कौम को, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि ये वक्त आपने जाने नहीं देना। कभी कभी कौमों की जिंदगियों में, मैं फिर से कहता हूं, ऐसा वक्त आ जाता है, कौम इस मोड़ पे खड़ी हो जाती है कि अगर वो सही फैसला कर ले बाहसियत कौम, तो वो अपनी तकदीर बदल सकती है। हम आज उधर खड़े हैं कि हम एक हकीकी आजादी के सफर पे निकले हुए हैं। ये जो हमारी मार्च है, ये हकीकी आजादी के लिए जो आती है इंसाफ से। आम आदमी पूछते हैं कि जी हमें क्या फायदा होगा, आपको इंसाफ से क्या फायदा होगा? इंसाफ से आपको हकूक मिलेंगे, हकूक आपको आजाद करेंगे,
आपको वो मुश्किलों जो छोटे मसलन छोटा कारोबार करने वाला उसको सारा वक्त मुश्किल पड़ी होती है, कभी कोई रिश्वत मांगता है, कभी कोई पैसे मांगता है, उसको हर वक्त उसको मुश्किलें पड़ी होती हैं। दुबई में नहीं होती, मलेशिया में नहीं होती, बर्तानिया में नहीं होती, लेकिन यहां होती है, क्योंकि कानून नहीं है। हम 129 नंबर पे इंसाफ के रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स में 129 पे है पाकिस्तान। तो जब इंसाफ ही नहीं है लोग आजाद नहीं है, और जब आजाद नहीं है खुशहाली नहीं आती। तो खुशहाली के रास्ते में रुकावट है कि एक वो कानून है जो ताकतवर के लिए एक और कमजोर के लिए दूसरा है। इसके लिए कौम को खड़ा होना पड़ता है। ये कौम जब तक अपने हकूक के लिए नहीं खड़ी होगी, अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद नहीं करेगी, कोई भी आजादी प्लेट में रख के नहीं देता, जंजीरें गिरती नहीं है, तोड़नी पड़ती है, आजादी छीननी पड़ती है, जद्दोजहद की जरूरत है। और इंशाल्लाह मैं जो देख रहा हूं रास्ते में, जिस तरह लोगों ने कहा कि इमरान खान नहीं होगा तो पब्लिक नहीं निकलेगी, मैं तो अल्लाह का शुक्र कर रहा हूं कि मेरी कौम में इतना शऊर है कि मैं इंशाल्लाह पिंडी में आपके साथ आऊंगा, क्योंकि उससे पहले पब्लिक निकली हुई है।